ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत नंबर 7, 7:30 बजे जो बजता है, शिव की याद रहेगी तब। अरे शिव की याद रहेगी तब, आंखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ होता है मानव का धन, वहाँ वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। यह दुनिया तो कैसी है, पुरानी मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निकाराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। यह आँख भी तन का दीपक है, यह ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब, आँखों में समाया वो होगा। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है डेजावू। डेजावू अर्थात ऐसा अनुभव कि हमने ये पहले भी अनुभव किया है। फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑलरेडी सीन, पहले भी देखा हुआ है, पहले भी अनुभव किया हुआ है। इस सिद्धांत को कहा जाता है डेजावू। और हर आत्मा कभी ना कभी इसका अनुभव करती है, और बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी जीवन कहानियों में इसका वर्णन किया है। सिगमंड फ्राइड का जो शिष्य था कार्ल जुंग, उसने भी वर्णन किया है कि मैं एक बार अफ्रीका गया, नाइजीरिया, ट्रेन में बैठा था और ट्रेन से बाहर झांक रहा था तो देखा ऊपर पुल है और उस पुल के ऊपर से एक आदमी काला काला सा नीचे झांक रहा है, देख रहा है, ट्रेन हमारी नीचे से जा रही है। और उसको देखते ही मुझे लगा कि इस आदमी को इसी मुद्रा में, इसी पोस्चर में और इसी जगह पर, इसी नाइजीरिया के पास, इसी अफ्रीका में मैंने पहले भी देखा है। पर कब देखा है? कभी नहीं, क्योंकि वो तो नाइजीरिया पहली बार आ रहा है। ऐसे ही अनुभव उसको उसने कहा डेजावू। ऐसा ही अनुभव बहुत सारे विवेकानंद के जीवन में भी है कि उन्होंने बचपन में उनके जीवन कहानी में लिखा है कि नए स्थान पर जब जाते थे तो उनको लगता था इस स्थान को मैंने देखा है। इस सिद्धांत को कहा जाता है डेजावू। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है, हमने जब सबसे पहली बार सुना था शांतिवन में, सबसे पहली बार, तो ऐसा लगा था कि ये गीत पहली बार नहीं सुन रहे, हजारों बार या लाखों बार इस गीत को सुना है पहले, जबकि ये पहली बार सुन रहे थे। तो वो गीत हो सकता है, वो कोई स्थान हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है कि जिसमें हम जाते हैं और एकदम से हमको ये अनुभव होता है कि ये चीज ये पहले भी हुई है। और आज तक वैज्ञानिक, मनीषी, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट,
इसका कारण नहीं बता पाए, और इसका कारण केवल इस ज्ञान से ही सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइकिल चक्र रिपीट हो रहा है, इसके लिए कुछ कुछ स्मृतियां आत्मा में रह जाती है, जो बहुत गहरी स्मृतियां है, जो बहुत गहरे अनुभव है। वो एक सेकंड का अनुभव होगा, कोई अभी अभी ज्ञान में आया, और अभी अभी ज्ञान में आया भी या कोर्स चालू है और बाबा के कमरे में जाके बैठ गया और वहां गीत चालू हो गया कोई, और वो गीत उसने सुन लिया और वो गीत इतना गहरा उतर गया कि उसके बाद अगले 40 साल में उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ ज्ञान में चलते हुए भी, जो कि उस दिन हुआ था अशरीरीपन का, या प्रभु प्रेम का, या उसकी आंखों से पानी बहने लगा, आंसू आने लगे जैसे ही गीत सुना भगवान हमारा साथी है। और वो अनुभव ऐसा है कि बाद में तो रोज योग लगा रहा है, पर वो नहीं हुआ जो तब हुआ था। तो इस फिनोमिनन को, इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को कहा जाता है डेजावू। तो ऐसा गीतों के साथ बहुत होता है कि हमको लगता है गीत हमने सुना है, या स्थान में होता है, और मधुबन में तो कई लोगों को होता है, जो बाबा के बच्चे मुख्य रूप से विदेश के बच्चे सेंटर पर जाते हैं और उनको लगता है ये स्थान तो हमने पहले ही देखा है, ये चित्र हमने पहले ही देखा हुआ है बाबा का चित्र, क्योंकि वो स्वप्न में उनको आया था एक बूढ़ा आदमी, और फिर उनको लगता हाँ यही है वो। तो ऐसा होता है चित्र, आज की मुरली में तो बाबा ने कहा चित्र रखना ही नहीं है, वो दूसरी बात है। तो अरे शिव की याद रहेगी तब क्या होगा, क्या होगा? जब शिव की याद रहेगी तब क्या होगा, तब क्या होगा? 100 बातें बताओ। जब शिव की याद रहेगी तब क्या होगा? शुरुआत से चालू करो, अमृत वेले से उठे, आंख खुली, शिव की याद, तो क्या होगा? उसका प्यार बरसना चालू हो जाएगा। अमृत वेला कर रहे हैं और उसकी याद है तो क्या होगा? अमृत वेला कैसा होगा? पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, आज तक जो नहीं हुआ वैसा होगा, निरंतर याद, अविरल याद, अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस। जब अमृत वेला निरंतर उसकी याद रहे, अमृत वेले के बाद निरंतर उसकी याद रहे, सतत उसकी याद रहे, हर समय उसकी याद रहे, हम कौन है, हमें किसने ये टाइटल दिए, कौन हमें देख रहा है, कौन हमारा साथी है, कौन हमसे मिलने आया है, कौन हमारा साजन है, कौन हमको सिखा रहा है, मुरली सुन रहे और उसकी याद है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन सम्मुख बैठा है, तो क्या होगा मुरली में, क्या होगा? खुशी होगी, अटेंशन होगी, साथ साथ सुनते सुनते ही धारण हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते ही धारण हो जाएगा, ये किसकी मुरली है, ये किसके शब्द है, ये किसके महावाक्य है। मैं जो सुनाता हूं किसी वेद में नहीं है, आज भी कहा है, ये बातें किसी वेद में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, ये वंडरफुल बातें हैं, ये समझने की बातें, मैं तुम्हें गुहे गुहे बातें समझाता हूं, मैं तुम्हें नई नई बातें बताता हूं, ऐसी बातें जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। लोग कहेंगे ये ज्ञान ना तो मुसलमानों का है ना हिंदुओं का है, पता नहीं इन्होंने कहां से लाया, किसका ज्ञान है, किसके शब्द है, किसके वाक्य है, कौन कह रहा है। ये सैपलिंग है, बाबा ने आज कहा सुबह, बाल पौधा, सैपलिंग को सैपलिंग ही रखा है हमेशा। जब उसकी याद निखिलेश भाई मुरली के बाद रहेगी तो क्या होगा? किसकी मुरली सुनी ये याद रहेगा, मुरली में क्या क्या कहा ये याद रहेगा, जो कह रहा है उसने क्या क्या कहा और हमने कैसा सुना, सुनने की हमारी धारणा कैसी थी। महावीर ने मोक्ष के 4 तट बताए हैं, एक साधु, दूसरा साध्वी जो सन्यास लेता है वो,
जो संन्यास ग्रहण करती है जैन धर्म में वो साध्वी, पर इतने तक ही नहीं छोड़ा, आगे भी कहा श्रावक और श्राविका। श्रावक अर्थात जो सुनते हैं, केवल सुनने मात्र से वो गति प्राप्त होगी जो साधु को प्राप्त होती है। साधु भी है तो साध्वी भी है, श्रावक भी है तो श्राविका भी है। श्रावक और श्राविका ये गृहस्थ है, साधु और साध्वी जो संन्यास ले लेते हैं। परंतु मोक्ष के चार तट है निर्वाण के, केवल ज्ञान के। तो वो सुनना ऐसा हो कि केवल सुनना हो, सुने तो ऐसा सुने कि केवल सुन रहे हैं और साथ में संपूर्ण धारणा हो रही है, तो ही उस सुनने का अर्थ है। नहीं तो इधर से सुना और इधर से गया। तो शिव की याद जब रहेगी भोजन में, तब क्या होगा? भोजन कैसा हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। भोजन कैसे लगेगा? मीठा मीठा लगेगा। मैं ना मीठा और मेरे लिए ना तो कुछ खट्टा है, ना खारा है, ना खट्टा है, ना मीठा है, ना कड़वा है। मैं ना छोटा हूं, ना मैं बड़ा हूं, यह सब तुम्हारे लिए। ये इसकी आत्मा कहती है कि भोजन मीठा है और भोजन कड़वा है। मीठा, कड़वा, खट्टा, खारा, छोटा, बड़ा, ये सब मैं नहीं होता हूं। आज की मुरली में कहा लेपछेप मुझ पे नहीं लगता है, तुम्हारी आत्मा में लेपछेप लगता है। तो भोजन जब उसकी याद में खाएंगे तो क्या होगा? वो भोजन कैसा बन जाएगा? मीठा मीठा बन जाएगा। नमक नहीं रहेगा तो भी कैसा लगेगा? स्वादिष्ट। जैसा पतिव्रता नारी के लिए कहा गया है कि यदि पतिव्रता नारी समुद्र का खारा पानी भी अपने पति को अपने हाथ से पिलाए तो उस पति को वो पानी मीठा लगेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। यदि उसकी प्रतिव्रता धर्म इतना, एक ऐसी वो प्रतिव्रता हो, उसमें पावर होता है, वो यदि कुछ कह दे तो सत्य हो जाए। परंतु संकल्प में भी यदि उसने किसी परपुरुष का चिंतन न किया हो तो ये कंडीशन है। संकल्प में भी उसके मन में किसी परपुरुष का ख्याल, चिंतन, संकल्प तो होगा, नहीं तो नहीं। दमयंती, सावित्री, बहुत सारे उदाहरण हैं, सीता, तारा, मंदोदरी, शास्त्रों में उर्मिला, पतिव्रता नारियों के धर्म का वर्णन है। तो शिव की याद जब भोजन में रहेगी तो भोजन कैसा रहेगा? संतुष्ट, प्रसन्नता होगी, संतुष्टता होगी, स्वादिष्ट हो जाएगा। दिन भर में शिव की याद रहेगी तो क्या होगा? योग लगा रहेगा, झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, रूठेंगे नहीं, रूसेंगे नहीं, हल्के रहेंगे, बोझ नहीं लगेगा। बोझ हो जाता है तुम्हारे ऊपर अगले संडे की मुरली, क्यों मेहनत करते हो? बाप तुम्हें सहज योगी बनाते फिर भी बोझ क्यों उठाते हो? बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम बोझ उठाते, और कारण क्या बताए सुशील भाई? क्यों मेहनत करने लगती है, क्यों मेहनत करना पड़ता है? चार कारण है। एक होता है बीज, एक होती है जमीन, एक होता है तुम खा लेते हो या पक्षी खा लेते हैं। चार कारण है। तुम्हारा जो बीज है वही शक्तिशाली नहीं है। बीज है संकल्प और बीज है कर्म। जब बीज ही शक्तिशाली नहीं तो फल कहां से खाओगे? प्रत्यक्ष फल, ताजा फल, क्योंकि बीज शक्तिशाली नहीं है, बीज पर काम करना पड़ेगा। दूसरा जमीन, वातावरण। तीसरा है खुद ही खा लेते हो, अच्छी सेवा करते हो और फिर कहते हो मैंने की, यह हो गया खुद खा लेना। और कभी कभी माया रूपी पक्षी आके खा लेता है। माया रूपी पक्षी अर्थात मनमत, परमत, समस्या, वातावरण, ये सारी चीजें हैं माया की पक्षी। कभी माया खा लेती है तो कभी तुम ही खा लेते हो, कच्चा फल ले लेते हो। मैंने किया, मैंने, मैं ये कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये सेवा होगी नहीं, मेरे वजह से ये सेवा हुई, मैं ही नहीं रहूंगा तो इनको समझाएगा कौन, इनका कल्याण कैसे होगा, इनकी पालना कैसे होगी, मेरे वजह से हो रहा है। कोई टीचर अगर ये सोचे ये स्टूडेंट्स का मेरे सिवा कैसे होगा, ये सेंटर कैसे चलेगा, मैं अगर कहीं चली जाऊं तो हो सकता है दूसरा जो आए वो तुमसे दो गुना अच्छा हो, हो सकता है तुम ही बाधा बने बैठे हो और तुम्हारे वजह से इसकी प्रगति रुकी है।
डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? मैं अगर नहीं रहूं तो तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ है। तो मैंने किया, ये क्या हुआ, खुद ही खा लिया। और कभी कभी माया का पंछी आ जाता है, मनमत परमत समस्या, वातावरण, वायुमंडल। तो चारों चीजों पर काम करना है, एक तो बीज, दूसरा भूमि, तीसरा खुद नहीं खा लेना है। और कच्चा क्यों खा लेना है, रुको, पकने तो दो, होने दो सेवा। अभी तुरंत खाने की क्या आवश्यकता है, और माया के पंछी को आने नहीं देना है। क्या करके रखना पड़ेगा, जाली डाल के रखो। तो शिव की याद सारे दिन भर रहे, नई नई युक्तियां निकालनी है, नए नए संबंध। इतने सारे आज के वरदान में बाबा ने कहा है, ये ज्ञान रूखा सूखा ज्ञान नहीं है कि बस एक ही रटते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कभी क्या संबंध हो, कभी क्या संबंध, अलग अलग संबंध से बाबा को याद करो। क्योंकि योग इतना आसान नहीं, योग मासी का घर नहीं है, आज कहा है, बड़ी भारी मंजिल है, बहुत भारी भारी मंजिल है ये। परंतु भारी मंजिल को भी सहज कर देना, नई नई युक्तियां रचना, नए नए संबंधों से, कभी किस संबंध से, कभी किस संबंध से। जब गाड़ी चला रहे हैं तब उसकी याद रहेगी तो क्या होगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी, ट्रैफिक कम हो जाएगी। अरे वाह। जब ट्रैफिक में फंस गए और उसकी याद होगी तो क्या होगी, ट्रैफिक हट जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। जब आईना देख रहे हो और उसकी याद रहेगी तो क्या होगा, चेहरे पे और ज्यादा चमक आ जाएगी। जब चल रहे और उसकी याद है, जब उठ रहे हैं तब उसकी याद, जब उड़ रहे तब उसकी याद, हर समय खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते घूमते हर कर्म करते, हर छोटे छोटे कर्म करते, जूता पहन रहे और उसकी याद है तो क्या होगा नरेश भाई, क्या टचिंग होगी, क्या कपड़े पहन रहे, स्नान कर रहे हैं, हर काम करते करते, मेकअप कर रहे हैं, मेकअप ब्राह्मण भी करते हैं। तो उसकी याद रहेगी तो क्या होगा, रात शाम नुमा शाम उसके योग में उसकी याद रहेगी तो कितना अच्छा योग होगा शाम का, अमृत वेले से भी ज्यादा अच्छा होगा। भोजन के समय, चर्चा के समय, क्लास सुनते समय, क्लास कराते समय, दोनों समय उसकी याद रहे। हर एक आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को ये दो काम रोज करने पड़ते, ज्ञान सुनना, सुनाना। आज कहा है मुरली में, तुम इन कान से सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तुम इन कान से सुनते हो, पढ़ते हो और पढ़ाते हो। पढ़ना और पढ़ाना हर ब्राह्मण का कर्तव्य है, फर्ज है तुम्हारा। ढिंडोरा पीटो कल कहा था, फर्ज है। तो सुनते समय भी, सुनाते समय भी, दोनों ही कार्य करते समय क्या हो, याद हो। सोने से पहले भी उसकी याद हो तो क्या होगा, नींद कैसे आएगी, साउंड स्लीप, विकार नहीं होगा उसमें, योग निद्रा होगी। उस दिन चर्चा की थी ज्ञान सरोवर में, यहां कभी फिर और चर्चा करेंगे योग निद्रा पर। हमारी, हमको नींद नहीं करनी है, योग निद्रा करनी है। योग निद्रा एक अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे योग निद्रा करे। जो इस बार की जो अव्यक्त मुरली का पार्ट टू जो ज्ञान सरोवर में रिवाइज कराया था, उसमें काफी विस्तार से केवल इसी एक बात की चर्चा की है, योग निद्रा। योग निद्रा क्या है और हर एक को योग निद्रा कैसे करनी है, कैसे कम से कम नींद में ज्यादा से ज्यादा स्लीप हो, आराम हो जाए। 45 मिनट्स सोना, पर उठने के बाद ऐसा लगे 3 घंटा नींद हो गई। ऐसा नहीं, नींद को कम नहीं करना है, नींद को जीतने वाले अर्थात नींद को कम कर दे वो नहीं। सोए 1 ही घंटा, पर 1 घंटे के बाद ऐसा लगा कि 3 घंटे की नींद पूरी हो गई। और लोग तो 6 घंटा सोने के बाद में भी उठते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाओ, क्योंकि वो योग निद्रा थी ही नहीं, वो नींद थी। नींद शुड बी कन्वर्टेड इनटू योग निद्रा, नींद को योग निद्रा में रूपांतरित कर देना है। योग निद्रा क्या होती है, जिसको कई लोग शवासन भी कहते हैं, परंतु वो शवासन तो छोटा कॉन्सेप्ट है, शवासन का एक्सटेंडेड रूप जो है वो योग निद्रा है। तो हम जब रात में सोते हैं तो योग निद्रा करें,
सो नहीं जाना है, क्योंकि सोने में तो आधा टाइम स्वप्न में वेस्ट हो जाता है। योग निद्रा में, योग निद्रा नींद और जागरण इसके बीच की अवस्था है योग निद्रा। तो योग निद्रा हो, उठो तो पता चले, जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट किए गए, एक योगी है वो सो गया, उसको सोने को कहा साइंटिस्ट ने, और वो सो गया और खर्राटे लेने लगा, एक घंटा सोया, और वो साइंटिस्ट वहां पर चर्चा करने लगे, और वो उठा तो उसको पूछा तुमने कुछ सुना, और उसने वो सारी बातें बता दी जो वो लोग कर रहे थे। वो बीच की अवस्था थी जिसमें व्यक्ति सोया भी नहीं है और जागरा भी नहीं है, बीच में है। और इसी अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और इसी अवस्था में सबसे ज्यादा ग्रहणशीलता होती है, और ये सुबह होता है और रात को सोते समय होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम है योग करने का, अमृत वेला तो है ही, पर जब हम सो जाते हैं तब, जैसे कि ऐसे सोए, ये दो हाथ इधर और दो पैर इधर, नहीं तो लोग सोते हैं इधर और उठते हैं यहां इधर से, गोल 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 घूमते रहते हैं। योगी हो जाए योगी को कोई देखे सोता हुआ तो लगे ये कोई योगी आत्मा सो रही है। सोते समय इसकी, जैसे इसकी 9 स्टेप्स है योग निद्रा की, इस पर किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसे चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, विजुलाइज करना, आवाजों को सुनना, शरीर को शिथिल करना, एक एक अंगों का निरीक्षण करना, और फिर धीरे धीरे सारी चेतना को आत्मा में स्थित करना, और फिर आत्मा परम धाम चली जाए, और पूरा रात जैसे हम परम धाम में थे। उठे तो ऐसा अनुभव हुआ कि उठे तो ऐसा लगा कि नींद पूरी हो गई, देखा तो 2 ही घंटे हुए, उठे तो देखा कि अभी तो 1 ही बजा है, और ऐसा लगा कि 6 घंटे की नींद पूरी हो गई 11 बजे सोने के बाद। ब्रह्मा बाबा सो रहे हैं, कोई बच्चा बच्ची आ रहे, तो बाबा ने कहा कुछ चाहिए, जैसे सोए नहीं है वो, क्योंकि वो नींद नहीं थी। नींद में तो टाइम वेस्ट होता है, शरीर को नींद तो चाहिए ही नहीं, शरीर को तो आराम चाहिए। नींद एक माध्यम है आराम देने का, यदि वो आराम किसी और जगह से दिया जाए नींद को छोड़कर तो ज्यादा ही अच्छा है। नींद में तो व्यक्ति 6 घंटा सोता है और चिंता रहती है, रात में 2 घंटा नींद कम हो गई, सारे दिन भर सोचते रहता है कब सोऊं कब सोऊं कब सोऊं। भोजन की चिंता इतनी नहीं है जितनी नींद की चिंता है, भोजन कल कम किया आज नाश्ता ज्यादा करूंगा ये चिंता नहीं है, क्योंकि सुबह उठ के तो भूल जाता है, पर रात में नींद मेरी कम हुई ऐसा पकड़ लेता है ये संकल्प कि मुझे नींद करनी है। जैसे ये क्लास पूरी हो जाएगी ना तुरंत जाके सो जाऊंगा, कल तो क्लास में जाना ही नहीं है, सीधा अमृत वेले के बाद गाड़ी सामने खड़ी रहती है और चलो, क्योंकि नींद कम हुई है, मुझे अपनी नींद की बहुत चिंता है, क्योंकि जो वो नींद थी वो योग निद्रा थी ही नहीं, जो करना है वो योग निद्रा करना है। उस क्लास में भी एक उदाहरण दिया था, अभी भी बता रहा हूं कि एक स्वामी विदेश गए जो कि योग निद्रा के मास्टर थे, और वो इटली पहुंचे और वहां पर उनको इटालियन भाषा में भाषण देना था, पर मतलब पब्लिक जो थी वो हिंदी या इंग्लिश जानने वाली नहीं थी, और वो हिंदी और इंग्लिश 2 ही भाषा जानते थे क्योंकि वो बनारस के थे। तो उन्होंने एक भाषण लिखा इंग्लिश में पूरा 4 पेज का, और वहां जो व्यक्ति था एक उसको दे दिया जिसको इटाली भाषा आती थी, इटली भाषा उस, और वो योग निद्रा में लेट गए, अपने शरीर को शिथिल कर दिया, योग निद्रा में लेट गए, और उस व्यक्ति को कहा इटली भाषा में तुम ये पूरा के पूरा पढ़ो भाषा, 4 पेज का भाषण। वो सो गए और खर्राटे लेने लगे, और इस व्यक्ति ने 4 पेज का भाषण पढ़ा, और फिर वो उठे 1 घंटे के बाद और पब्लिक के सामने जाके इटली भाषा में भाषण दे दिया, क्योंकि वो जो गया वो सीधा सबकॉन्शियस में गया, और सबकॉन्शियस में एक बार जाने के बाद फिर तो वैसे के वैसे निकलेगा जैसा किया। इसके लिए स्टडी टेक्निक्स में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है सबलिमिनल टेक्निक्स, सोते समय म्यूजिक, वहां पर अपने आप को आत्म सुझाव दो, क्योंकि बीमारी, अगर बीमारी से भी मुक्त होना है सोते समय कि ऐसा ऐसा मैं निरोगी हूं, मैं योगी हूं, और उससे मुक्त हो जाएंगे। तो शिव की याद जब सोते समय रहेगी तो नींद कैसे बन जाएगी, योग निद्रा। इस पर फिर से एक क्लास लेंगे सेपरेट, योग निद्रा क्या है, योग निद्रा के कितने अंग है, योग निद्रा से क्या क्या फायदे हैं। हर एक को योग निद्रा करनी है, सोना नहीं है, सोए बहुत, 8 घंटा सोने के बाद में भी फ्रेश नहीं लगता किसी किसी को, और वो दूसरी बात रात रात भर नींद ना आना। अनिद्रा का इलाज है योग निद्रा, ना कि दवाइयां, 4 गोलियां खाने के बाद में भी नींद खुल जाती है फिर खाओ।
तो शिव की याद रहेगी, तब क्या होगा, आंखों में वो समाया रहेगा, अखियों में वो समा जाएगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। धन्य कब बनेंगे हम? जब जीवन कैसा होगा, योगी होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, निरामय होगा। कल क्या, जो प्रधानमंत्री का स्पीच जो था 15 अगस्त का, उसमें मोदी जी ने एक नए शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का था सत्याग्रह, अब हम चालू कर रहे हैं स्वच्छाग्रह, स्वच्छ भारत। स्वच्छाग्रह पहले हृदय होना चाहिए, हृदय का, उसके बाद में बाहर का। स्वच्छाग्रह इधर, स्वच्छाग्रह अच्छाग्रह जो भी कहो वो इधर हो पहले। तो धन्य कब बनेंगे, जब हम ऐसा प्रिय जीवन हो, जो योगी जीवन हो, जो भोगी जीवन नहीं है, जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित जीवन है, जो स्वयं के कल्याण के लिए भी है, आत्मानुमोक्षार्थम जगत हृदयाय च, जगत के कल्याणार्थ जो जीवन है। यहां हमारा तन होगा और वहां हमारा मन होगा। शरीर यहां है परंतु मन वहां लगा है, याद की फांसी में लटका हुआ है। हथ कार्डे दिल यार्डे, तो ये अवस्था चेतना की कि शरीर से यहां है परंतु मन खींच रहा है। जैसे दांत का दर्द होता है, भक्ति में पर प्रभु प्रेम को दांत के दर्द से कंपेयर किया है। जब दांत का दर्द हो और पेन किलर ना ली जाए तो सारा ध्यान उधर रहता है, दाढ़ की तरफ खींचते रहता है वो, काम करते रहो कुछ भी करते रहो, सारा ध्यान दांत की तरफ, दर्द की तरफ। वैसा ही ईश्वरीय प्रेम है, सब कुछ करते रहो परंतु याद उसकी हो। इसमें एक थोड़ा सा खराब सा उदाहरण भी दिया जाता है। एक स्त्री है जिसका अपना पति को छोड़कर किसी और से प्यार है, तो रहती पति के साथ पर बुद्धि उधर लगी रहती है रहती पति के साथ पर याद उसकी आती रहती है उसकी। तो वैसे ही कहा जाता है भगत को संसार में ऐसे ही रहना है कि संसार तुम्हारा जैसे पति है परंतु तुम्हारा प्यार उससे है। ये झूठा प्यार है, इधर ऊपर ऊपर का हाथ फेर दिया केवल। तो जहां होता है मानव का धन, वहां होता है उसका मन। ये गीत जब रचा जा रहा था तो पहले यहां शायद कोई दूसरा शब्द रखा था, फिर रमेश भाई ने सजेस्ट किया कि यहां धन रखा जाए। रमेश भाई जी जो थे, क्योंकि व्यक्ति का ध्यान सारा धन में होता है, कारोबार में, तो शायद उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि यहां धन रखा जाए। जहां होता है मानव का धन, बैंक में धन है तो उस बैंक, दूसरी बैंक में कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बैंक में कुछ हो गया तो फिर गड़बड़ है वो बैंक बाकी बैंक डूब गई तो चलेगी? अब मेरा पैसा जो है वो बैंक नहीं डूबनी चाहिए। तो जहां होता है मानव का धन वही उसका मन होता है। और तुम्हारा जो धन है वो ज्ञान धन है, तुम्हारा जो धन है वो स्वयं परमात्मा तुम्हारा धन है, तो वहां मन रहेगा। इसलिए परमात्मा ने बतलाया, मुझसे लगा लो अपना मन। क्या बताया? मुझसे अपना मन लगाओ। मन मनाभव मध्याजी भक्ता माम नमस्करो, मुझसे मन लगा, केवल मेरा ध्यान कर, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। आज भी कहा है केवल मुझे याद करो, ये रोज मुरली में होता है, पर ये बहुत ऊंची शिक्षा है, इतना आसान भी नहीं है। हमसा नहीं कोई जमाने में रचता रचना का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। ज्ञान का ही अभिमान हो जाना कि हमने भगवान को जान लिया, इसका अभिमान हो जाना। अभिमान हो जाना ठीक है परंतु वो अभिमान अभिमान नहीं, वो स्वमान हो। अभिमान अगर होगा और दूसरों को हम ज्ञान इस रीति से सिखा रहे समझा रहे कि हमसे सुनो, हम तुमको सिखाते हैं कि आप आत्मा है परमात्मा है, तो उसको तीर नहीं लगेगा। स्वमान युक्त ज्ञान को समझाना है, लोगों को यह ना लगे कि ये अपना ही सुना रहे, हम केवल निमित्त है, हमसे वो प्रत्यक्ष हो, वो दिखे, हम हट जाए, हम मिट जाए, हम विलीन हो जाए, हम अदृश्य हो जाए, हम गायब हो जाए, वो दिखाई दे, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। नहीं तो उसको छोड़कर हम में ही फंस जाएंगे लोग, वो ना हो। तो क्या कहा, अभिमान ना हो ज्ञान का, ये ज्ञानी के जीवन की सबसे सूक्ष्म बाधा है कि मैंने सबको जीत लिया, विकारों को जीत लिया, मैंने
इसको जीता, उसको जीता। जैसे जैसे योगी आगे बढ़ते जाता है, एक सूक्ष्म अभिमान भी निर्माण होता है। एक अभिमान होता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अभिमान, कि हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं पर ये नहीं कर रहा है। मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल है पर इसका नहीं है। मैं मुरली का चिंतन करता हूं पर ये नहीं करता। हमारा कर्म योग है, इनका तो बिल्कुल कर्म योग नहीं। हमने धारण किया, इसने धारण नहीं किया। मैं देखो दूसरों को कितनी समझाने की सेवा करता हूं और ये देखो कुछ भी नहीं करता है, खाली अपने डिपार्टमेंट में पड़े रहते और सेवा कुछ नहीं करते। ये भी एक अहंकार है, अभिमान है और ये गिरा देगा। हो सकता है जो नहीं कर रहा उससे ही ज्यादा सेवा हो रही है, वो बिना बोले इतनी सेवा कर रहा है जितना तुम फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ कर जो बोल रहे उससे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि सेवाएं तो गुप्त है, सेवाएं वो नहीं है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा था, बाबा वो 108 में जो आएंगे माला वो कौन कौन है, तो बाबा इधर उधर देख रहे थे जैसे ढूंढ रहे थे, और वो सब महारथियों की सभा थी जैसे कहां है कौन है, शायद इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो आने वाले वो तो एकदम ही गुप्त है। मम्मा का सबसे बड़ा कोई पुरुषार्थ होगा या सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई होगी तो मम्मा का गुप्त पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ की सारी प्लानिंग इधर थी अंदर, उसका कोई वर्णन नहीं, कुछ नहीं। क्या मम्मा उठ के करती थी 2 बजे, कोई मुरली में आया है मैंने आज 2 बजे ये किया, ये अभ्यास किया, वो अभ्यास किया, कहीं नहीं है। मम्मा का सारा के सारा पुरुषार्थ संपूर्ण गुप्त था, इसलिए पावर भी उतनी ज्यादा थी उसमें। पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे यह दुनिया कैसी हो या वो, उन दोनों में से कहीं ना कहीं गुजर जाते रहना। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। कितना भी अंधियारा हो उस अंधियारे को मिटाने के लिए कितनी चीज की आवश्यकता है, छोटे से दीपक की आवश्यकता है बस। दीपक जला दो अंधियारा भाग जाएगा। अंधियारा कितना भी शक्तिशाली हो वैसे नहीं भागेगा, तलवार से हम उसको निकालने की कोशिश करें, सारी सेनाएं लेकर आए और कहो अंधियारे से लड़ाई करो, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, दिया रख दो। तो धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। यह आंख भी तन का दीपक है, यह शरीर का, यह तन क्या है, दीपक है। और यह ज्ञान जीवन भी दीपक है, यह ज्ञान जीवन दीपक होगा। संसार अंधियारा है, ज्ञान दीपक से इस जगत को उजियारा करना है। यहां हमारा तन होगा तो यह अभ्यास करना है कि शरीर यहां रहे परंतु मन ऊपर, तो मन को बार 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 ऊपर ले जाना है, शरीर से पर ले जाना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और इवन सोते समय भी, कि सो रहे हैं शरीर नीचे है परंतु आत्मा, यह अनुभव करना कि मेरा यह जो कमरा है परम धाम है। क्या अनुभव करना सोते समय, मैं आत्मा।